दोस्तों, मैं आरिफ खान क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम से। सस्ता, जल्दी, सुलभ, सक्षम न्याय पाने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। इसी को लेकर 11 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है, जो तहसील स्तर से लेकर जिला मुख्यालय पर आयोजित की जा रही है। रामपुर जिला जज श्री गौरव कुमार श्रीवास्तव ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि गरीब लोगों को, आम लोगों को, पीड़ित लोगों को सस्ता और शीघ्र ही उसको न्याय मिल सके, और जो उन लोगों को समस्याएं सामने आती हैं उनसे उनको निपटारा मिले, पैसों की उनकी बचत हो, वक्त की बचत हो, टाइम की बचत हो। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सर, इस बार जो मुकदमे आपके पास में जो भी इसमें आए हैं, तो पहले से कुछ की मात्रा, कुछ क्वांटिटी ज़्यादा है? और एन आई ए के मुकदमे जितने ज़्यादा से ज़्यादा निशान कर सकें उसकी हम लोग कोशिश करेंगे। इसके अलावा अन्य और अन्य मुकदमे जो कि जिसमें दोनों पक्ष आपस में सुलह समझौते के आधार पर तैयार हैं, हम लोग अपनी तरफ से खुद कोशिश करके उन दोनों को सुलह समझौते के आधार पर उस मुकदमे को निपटाने की कोशिश पूरी करेंगे। सर, ई चलान और ये सब ये बहुत ज़्यादा है इस वक्त, इसकी मात्रा जो है ई चलान ये अगली बार ये नया चीज़ आ रही है, लेकिन ई चलान बहुत पहले से चल रहा था। इस बार इसको लोक अदालत में एक कोशिश की जा रही है कि ई चलान से हम लोग घर बैठे मुकदमे का निस्तारण करवा सके। अभी उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हुआ, लेकिन आगे आने वाले टाइम में इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा भी हो जाएगा कि जिसका जिसके विरुद्ध चलान हुआ है वो घर बैठे अपना मुकदमा निस्तारण ऑनलाइन करवाते हुए वो अपना पैसा ई चलान का ऑनलाइन ही पैसा जमा फाइल जमा करा के निस्तारित करवा सकेगा। सर, मेरी तरफ से आखिरी सवाल एक ये है कि लोक अदालत का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या होता है, इसमें किस तरह से जनहित में फ़ायदा या आम जनता को? मुख्य उद्देश्य इसका ये है कि जो लोग जिनके मुकदमे बहुत दिनों से चले आ रहे हैं उनका उनको सुलभता से और जल्द न्याय उनको मिल जाए, और ये न्याय दोनों पक्षों की आपस की सहमति से निर्धारित हो सकती है। कितने पैसे? दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, खबर को आगे बढ़ाइए।